फेस कहाँ आपका? आएगा ना, आएगा वो क्लैप करके बस एक बार और बस। नमस्कार, मैं हूँ विजय पाटकर। मेरे दोस्त अबीर खान जी और राहुल, ये दोनों ने मिलके एक बॉलीवुड चैनल कर रहे हैं, उसका नाम है फिल्म ची। ये आउट एंड आउट जो बॉलीवुड की खबरें, और आजकल तो बॉलीवुड में बहुत कुछ हो रहा है जी, बॉयकॉट से देखिए और बहुत बहुत कुछ होने वाला है, बड़े बड़े फिल्में आ रही है। तो मुझे तो लगता है अबीर भाई, तुमने तो बहुत टाइम पे तुमने ये चैनल खोला हुआ है, मतलब मटेरियल तो बहुत बहुत मिलने वाला है। अरे हार की फिल्म आ रही है, रोहित शेट्टी की फिल्म आ रही है सर्कस दिसंबर में, उसका भी कुछ प्रमोशन करना भाई। मतलब रोहित शेट्टी का तो हो जाएगा, मैं मेरा बोल रहा हूँ, मेरा छोटा कलाकार हूँ मेरा। तो इस फिल्म ची बॉलीवुड चैनल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सालों साल चलता रहे, एक ही है, जैसे कि पहले न्यूज चैनल आपसे बोला था वो भी बहुत चला, उसमें मेरी कम से कम दो से तीन इंटरव्यू हो चुकी है। वैसे ही यहाँ ये ऐसी तीन चार चैनल और खोलो, बहुत बिजी हो जाए, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई राहुल, ऑल द बेस्ट, और आपके लिए भी थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते हैं सर, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है अभी, क्या कहना चाहेंगे आप, इतने सालों से काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों ऐसा हो रहा है, बाकी इंडस्ट्री में कभी सुनने को ऐसा नहीं मिला, और इतने सालों से इस वक्त ऐसा क्या हो गया जो इंडस्ट्री को इसे फेस करना पड़ रहा है सिचुएशन? वो तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बॉयकॉट हो रहा है, सबको मालूम है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कॉमेंट हुए, उसके ऊपर कौन कौन रहा है। लेकिन एक मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया बॉयकॉट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी, हमारे जैसे आर्टिस्ट है, हम कोई रणवीर सिंह या हम लोग कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर फिल्में हो जाएगी, अच्छी अच्छी फिल्में होगी तो हमें काम मिलेगा, हमें काम मिला, आप हमें इंटरव्यू लीजिए। अगर ऐसे बड़े बड़े फिल्म अगर बॉयकॉट होने लगी तो आप काम क्यों, काम का एक विषय सरकार है, ये सरकार होना चाहिए, एक काम अपनी जगह पे, ये सब बॉयकॉट अपनी जगह पे होना चाहिए, मैं ऐसे बोलना चाहता कि ये बुरी चीज़ है। क्यों हो रहा है आप सबको मालूम है, तो मैं तो उसको कोई फॉर या मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, उतना ही बोलूँगा कि भैया काम, बॉस से दो साल के बाद इंडस्ट्री शुरू हुई है, बहुत प्रॉब्लम थे, सबसे लास्ट में जो धंधा शुरू हुआ, इंडस्ट्री शुरू हुई, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, अभी अभी उभर रही है, अभी थोड़ी उभर नहीं दो भैया, हमें माफ़ कर दो जो भी कुछ हुआ होगा, हमें काम कर रहे। सर ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो OTT का चलन है, ये कारण हो सकता है बायकॉट के लिए, क्योंकि OTT के माध्यम से आप मोबाइल पर कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं और दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स को अच्छी डील मिल जाती है OTT पे, तो वो एक कारण आप मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि फिल्में जो चलनी वाली वो तो चल रही है, जुग जुग जियो कैसे चला, भुलभुलैया 2 कैसे चला, सूर्यवंशी कैसे चला, ये तो फिल्में चली ना, अभी कार्तिकेयन ये भी तो आने वाली है OTT पे, तो वो क्यों चल रही है? वो तो फर्स्ट डे का कलेक्शन उसका 4 लाख रुपया था, और 3 दिन का कलेक्शन तो 15 करोड़ है, एक वीक का भी कलेक्शन कुछ हो वह 50-60 करोड़ एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, वो नहीं, ये सब क्या बोले पत्रिका से निकलना होगा ये बात, आप अच्छी फिल्में करो हो जाएगी शायद हो जाएगी। आप भी अपने कैरियर में काफी सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, काफी सारे फिल्म पत्रकार से मिलेंगे, आप इससे ये जो पहल है क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में जिस तरह का मीडिया काम कर रहा है, काफी नया चीज आया, डिजिटल मीडिया आ गया है और भी कई नई चीजें आए हैं, कि क्या कहना चाहेंगे मीडिया का जो रवैया है खासकर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, वो कितना अच्छा है, क्या उसके लिए क्या आज क्या होता है, क्या हो रहा है आज, एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ी है, मतलब आज अभी इनको ये मेरे सीनियर हैं, इनको तो मैं मतलब महीने में 2 बार तो मिलता ही हूँ, उस वक्त बहुत कम होती थी इंटरव्यू, तो एक एक पैमाने पे होता था, एक मतलब प्रेस हुई तो मतलब प्रेस है, जो मराठी फिल्म में होती थी हिजाब के वक्त वगैरह होती थी, अरे प्रेस मतलब कम से कम 70-80 लोग रहते थे, अभी जरूरत नहीं, अगर आपने एक मेरा शूट कर दिया डिजिटल है, आप एक भेज सकते हो, सबको भेज सकते हो, आपके 40-50 लोग हैं और भेज सकते हो, उसको वैसे नहीं था, मैन्युअल ही था सब, सब मैन्युअल था, ये फोटो होते थे, वीडियो था ही नहीं, वीडियो तो था ही नहीं, तो सिर्फ फोटो होते थे और न्यूज़पेपर टीवी पे कम था, आज इतने वेन्यूज खुले हैं, देखो ये अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन होना है, ये चीज़ें ये होना था, वो पीछे की मैं स्टिक करके नहीं बैठ सकता, मैं जो भी है अच्छी हो रही है, सब चीज़ों का पॉजिटिव ही ले सकते हो,
पापाराजी कल्चर आजकल हर सेलिब्रिटी को फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, जर्नलिस्ट 24 घंटे मतलब नजर रखते हैं, वो कहाँ तक सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या करना चाहेंगे? क्योंकि एक जो पर्सनल लाइफ होता है सेलिब्रिटी का भी एक पर्सनल लाइफ होता है, तो वो कितना इफेक्ट होता है? तो आप जो जैसे मीडिया वाले हो, एक कैटेगरी है, जैसे पापाराजी कैटेगरी, आप एक्टर अपना काम छोड़ के अगर दुनिया भर की चीजें करने लगे लोगोगे तो पापाराजी को काम मिलने वाला है, नहीं तो पापाराजी को वो काम मिले देखते क्या? कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छी फिल्म कर रहा है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कुछ अच्छा तुम कुछ कर रहे हो, समाज उपयोगी भी कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए पापाराजी जाता ही क्या? नहीं जाता, उसके वही काम है, उसका वही करना चाहिए। तो आप अभी हम लोग हैं, अभी 40 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे तो कभी लगा नहीं इन्होंने ये मानो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ या कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ एक आर्टिस्ट जो करे उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ वही करता हूँ, बाकी के काम क्यों करे? हर हर आदमी अलग है, एक्टर अलग है, हर एक की मेंटेलिटी अलग है। पापाराजी के लिए अगर आपको काम करें तो आप करते रहो, हम तो उनके लिए काम नहीं करेंगे, हम तो आपके लिए काम करेंगे भाई। अच्छे हमारे अबीर ये अच्छा चैनल खोल रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। अब सबसे अच्छा हूँ कि इतना साल से आपका नाता है पत्रकारिता से, बहुत लोगों का इंटरव्यू किया अपने हर क्षेत्र के, ये क्यों मतलब क्या इंस्पायर किया आपको फिल्म चीज खोलने के लिए इस तरह का चैनल, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में? देखिए मैं भी आप ही की तरह एक पत्रकार हूँ, हर तरह की खबरें कवर की हैं मैंने, मुझे लगा कहीं ना कहीं एक ऐसा चैनल और होना चाहिए जो आजकल चल रहा है उनकी तरह वो ना हो। क्यों? आजकल हम जो काम करने के होते हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी और काम में लग गए हैं, कौन कहाँ छोटे कपड़े पहन के आया है, किसने क्या किया है, क्योंकि जो डिजिटल की दुनिया है ना उसमें सबसे ज्यादा रीच की, फॉलोअर की भीड़ चाहिए हर किसी को। कोशिश है कि कुछ अच्छा दिखाएं, बॉलीवुड के बारे में वो दिखाएं जो लोगों तक ना पहुंचता हो, ना कि गंद दिखाएं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की एक छोटी सी, और साथ मुझे किसका है, आप जैसे भाई लोग हैं, सर हैं, उतना साथ काफी है। तो कुछ बताइए शुरुआत कैसे करने वाले हैं, कुछ प्लान क्या होगा अपने फ्यूचर के लिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर? फ्यूचर के लेकर के ये प्लानिंग है, हम इसको जल्दी ही टीवी पर लेकर के आएंगे। सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या जुड़ाव है अभी सर के बारे में, और सर के बारे में जो हम सुन लिया यहाँ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी सर तो जैसे जानते हैं हम सब एक साथ में काम करते हैं, तो मैं उनके साथ एज एन पार्टनर जुड़ा हूँ, और सर के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, सर बताओ हमारे काफी बड़े एक्टर है। सर ये भी जानना चाहूंगा कि आज के दौर में बहुत सारे मीडियम्स हो गए, तो जैन एक्टर आप क्या समझते, कितना ज्यादा मौका है कैरेक्टर आर्टिस्ट जिसे कहते हैं उसके लिए, कितना अच्छा मौका है, और वो भी ओटीटी मीडियम की बात करें तो? ओटीटी की वजह से तो आज ये सब एक्टर दिखाई दे रहे हैं आज, मतलब इतने बड़े एक्टर जो हिंदी फिल्म के लेवल पे ज्यादा एक्टर, और ओटीटी लेवल पे वो भी उतने बड़े हुए, जैसे पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, वो सब जो कैरेक्टर एक्टर है वो तो अभी सारे सुपरस्टार है, राधिका आप्टे वगैरह सुपरस्टार है, एक एवेन्यू खुला है। अच्छा उनके लिए वो चाहिए था ना, हमने से एक्टर के लिए भी चाहिए था, हम थिएटर से आए हुए, तो हमें कोई बच्चे सब का रोल हमें मिलने वाला नहीं, मुझे मेरा ही रोल मिलना था। तो ओटीटी में मैं कर रहा हूँ, मैं नया ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है उसमें लीड कर रहा हूँ, मैं टाइटल कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मेरे जैसा कैरेक्टर भी एक वेब सीरीज का हीरो बन सकता है, हीरो मतलब लीड प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, हमारे जैसे एक्टर बन सकते हैं, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया है। और एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ बायकॉट कल्चर चल रहा है, दूसरी तरफ साउथ फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं, नॉर्थ में भी अच्छा कर रही हैं, वेस्ट में भी अच्छा कर रही हैं, वो कितनी अच्छी बात है कि साउथ फिल्मों को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भैया फिल्म चल रही है, सब भोजपुरी भी अच्छे चल रहे थे, सभी भी हमें बहुत आनंद था, जो भोजपुरी फिल्में चल रही थी बहुत आनंद था हमें, मैं भी एक या दो फिल्म मैंने भोजपुरी कर चुका हूँ, मैं हमारे रवि किशन भाई ने मराठी में एक फिल्म की है, वो भी आगे बच्चन साहब ने की, अजय देवगन साहब ने की थी, तो ये कल्चर है, ये माहौल इसका चल रहा है, तो मेरे पेट में दुख रहा है, क्यों दुखे भाई, इंडस्ट्री तो है, भोजपुरी हो या साउथ की हो या कोई अभी गुजराती फिल्म देखो नाड़ी दोष, क्या पिक्चर चल रही है, बच्चे साहब ने जो गेस्ट अपीयरेंस किया है, क्या फिल्म चल रही है, भैया इंडस्ट्री चलनी चाहिए, कोई भी हो करो, हिंदी में कुछ थोड़ा ग्रहण लग चुका है, वो ग्रहण भी हट जाएगा, चीजें सब आहिस्ता से साफ हो जाएगी, ग्रहण तो भी साफ हो जाता है, सब हो जाएगा और सब निकल जाएगा, सब फिल्में चलने वाली। लास्टली हम गणपति का पावन त्यौहार चल रहा है, पूरा मौका दिया है गवर्नमेंट ने खुल के आपको सेलिब्रेट करने का, तो उसके लिए कितने खुश हैं इस बात को लेकर, दो साल से काफी
देखो अभी त्योहार है, त्योहार मनाने को तो अच्छा ही लगता है, दो साल से त्योहार नहीं मनाता। देखो भैया मैंने त्योहार मनाया जब इंडस्ट्री खुली, मैंने थिएटर में जाके फिल्म देखी, मैंने जाके शूटिंग की, उस दिन मेरा त्योहार था। मुझे दिवाली गणपति या होली की मैं राह देखती रहे, जब मेरे एक्टर मेरे दोस्त मेरे टेक्नीशियन जब मुझे मिले उस दिन मेरा त्यौहार था, उस दिन मेरी दिवाली थी, मेरी होली थी, मेरा गणपति था। और अभी तो त्यौहार है मनाने, अभी गोविंदा ने बहुत धूमधाम से मनाया, त्यौहार है, त्यौहार की तरह होना ही चाहिए। लेकिन मेरा त्यौहार है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री चलेगी, लोग मिलेंगे, वो मेरा त्यौहार। सर इसके अलावा बॉलीवुड को जिस तरह से देखा जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है, बॉलीवुड के फिल्मों को बॉयकॉट किया गया, एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को भी बॉयकॉट किया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड को खत्म करने के लिए एक साजिश चल रही है? ऐसे कुछ नहीं। मैं पहले बोल चुका कुछ चीजें ग्रहण है, कुछ दिनों के बाद सब हट जाएगा, सब चीजें साफ हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं कुछ स्टार्स ने ये भी मतलब स्वीकारा है, अक्षय ने स्वीकारा है, सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करते हैं 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि गलती हमारी है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि दर्शक को देखना क्या है, कंटेंट क्या चाहिए बेसिकली। आप मानते हैं इसको, हिंदी कंटेंट जो है फिल्मों का आप मानते हैं कमजोर है, इवन मराठी का कंटेंट इतना अच्छा आपने काम किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अरे बहुत, मराठी का तो नंबर वन है मराठी कंटेंट, मतलब मैं 2-3 अभी इसके लिए मैं जज था, मैं 50-55 मैंने फिल्में देखी, क्या कंटेंट है। आप ये लोग हमारे यहाँ थोड़ा हिंदी का मैं खुला खुला बोल देता हूँ कि नहीं हिंदी में ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, अरे यार कौन बोलता है ये चलेगा, अच्छी फिल्में करो। अगर अच्छी फिल्म आपको नहीं समझ में आती तो मैं लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छी फिल्म मतलब क्या हुई, जुग जुग जियो, भूलभुलैया 2, सूर्यवंशी, जिसको एंटरटेन हो रहा है या मुझे आनंद मिल रहा है फिल्म देखने को, वो अच्छी फिल्म है। आप कॉपी क्यों कर रहे हो, हिंदी इंडस्ट्री कॉपी कर रहे हो? आज हिंदी इंडस्ट्री का भी एक है उसका एक वजन है उसका, जब तुम कॉपी करने लगते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब मराठी इंडस्ट्री क्यों उभर के आई है, कॉपी नहीं कर रही, खुद का बना जो खुद का एक मटेरियल है वो कर रही है, हिंदी को करना चाहिए। पर नॉवल पे फिल्में आती थी, अब क्या है नॉवल पे फिल्में, अरे नहीं यार ये नहीं देखते यार ये नहीं चलेगी, वही नॉवेल तो OTT पे जाओ वो सब देखते हैं, उनको 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के व्यूअर्स है। अच्छी करो, यहाँ से करो, यहाँ हाथ रखो, करो, सब बहुत अच्छा होगा। सर आपसे आपसे जानना चाहेंगे कि चैनल कब से आप चालू कर रहे हैं और कौन से सैटेलाइट पे आपका आने वाला है, आपने बताया है कि टीवी पे आने वाला, तो कौन सा सैटेलाइट? देखिए हमारी अभी हम एक स्लॉट के रूप में इसे लेकर के आएंगे, 4-5 चैनलों से बात चल रही है, जिससे भी डिसाइड होगा बहुत जल्दी सब आपके सामने आएगा। जर्नलिस्ट नहीं है, कुछ समय पहले आपने अश्मित पटेल जी बुलाया था अपने इवेंट में, प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च किया था, तो उसका क्या कितना विकास हुआ, प्रोडक्शन हाउस को लेकर क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, इसमें थोड़ा सा मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ, इंडस्ट्री चोरों से भरी पड़ी है। और एक आदमी जो अपने सपने लेकर के इस मुंबई शहर में आता है, वो छोटा छोटा पैसा जोड़ करके वो कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि मुंबई सबके सपने पूरे करती है, एक रात में सब पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ चीटर यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो आपके सपने चकनाचूर कर देंगे, मगर कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है सर पे, आप लोगों की दुआ है, तो ऐसे लोग कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उनको बहुत जल्दी बेनकाब किया जाएगा, उसमें यही बोल सकता हूँ। और अश्मित जी की बात, वो जल्द ही आपके बीच में फिर से आने वाले हैं और रास्ते में मुश्किल से 10 मिनट में आ जाएंगे। पहले तो मैं आमिर खान जी को और उनके दोस्त राहुल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये जो मूवी चैनल लॉन्च की है, जो फिल्मी न्यूज देगा, फिल्मों लोगों फिल्म की खबर देगा, हम आर्टिस्टों की खबर देंगे, कुछ ना कुछ नई अपडेट्स देते रहेंगे, सो बहुत अच्छी चीज है। और मैं चाहूंगा कि इनकी ये चैनल काफी हिट हो, शानदार हो और ऐसे ही आगे नई चैनल लॉन्च करते रहे। ये भी जानना चाहूंगा कि जब से आप मुलाकात की इनसे, जब से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में, एज अ जर्नलिस्ट का पहला मौका मिला था जब आप मिले थे इनसे? एज अ जर्नलिस्ट तो मैं ये कहूंगा कि इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड बहुत मेहनत करते हैं, परफेक्शनिस्ट है कह सकते हैं, और काफी एक होता ना एक आगे बढ़ने की लालच, वो उनमें एक जुनून दिखता है, लालच नहीं जुनून कह सकते, तो वो उनमें काफी दिख रहा है, तो आई एम श्योर आने वाले कुछ वक्त में वो बड़े लेवल पे जर्नलिस्ट में नाम कमाएंगे और उनकी शायद बड़ी चैनल भी लॉन्च हो जाए।
आपने भी काफी प्रोजेक्ट में काम किया, ये जो बायकॉट कल्चर चल रहा है, क्या आपको इफेक्ट है, आपको लग रहा है कि बॉलीवुड थोड़ा वीक हो रहा है, थोड़ा कमजोर पड़ रहा है इंडस्ट्री? आप ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड थोड़ा सा वीक हो रहा है, बिकॉज आजकल जो साउथ की सारी सारी बड़ी मूवीज आ रही है और बड़ी हिट हो रही है, और उसमें शायद हमारी फिल्म वालों की भी गलती कह सकते हैं कि वो उन्हीं की रीमेक भी बनाए जा रहे, तो एक जो कहते हैं रियल कॉन्सेप्ट या रियलिटी कॉन्सेप्ट वो है नहीं। कुछ फिल्म जो आती है रियल कॉन्टेंट पे वो अच्छी चल रही है, सो बॉयकॉट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हम ये भी आर्टिस्ट है, और काफ़ी आर्टिस्ट के अलावा टेक्नीशियंस है जो इंडस्ट्री में जुड़े लाखों की तादाद में, तो सबकी पेट उसी से भरता है। मूवीज बननी चाहिए, वेब सीरीज बननी चाहिए, और काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए ताकि लोगों का घर चलता रहे अच्छे से। समथिंग जो पास्ट प्रोजेक्ट्स के उसके बता दीजिए, जो करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या फ्यूचर में आपको जो प्रोजेक्ट्स करने हैं? फ्यूचर में अभी मेरी तीन वेब सीरीज मैंने कंप्लीट की है, एक है दल्ला जो अशोक पटेल के साथ है, एक है बैड बिजनेस विद अर्शी खान, और एक है जनपद गुंडा जो यूपी रैवल स्टोरी पे है। सो ये तीन वेब सीरीज अभी मैंने कंप्लीट किया, आई थिंक इफ एवरीथिंग गोज वेल सो ये साल के एंड तक रिलीज हो जाएगी। मैम समथिंग अबाउट यू, इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए क्या कहेंगे इस शो के बारे में, आबिर सर के बारे में। अभी तो मैं इनसे मिली हूँ, आबिद जी से एंड राहुल जी से, और ये जेन्युइन पर्सन है, और जो वर्क कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, इवन सोसाइटी के लिए, कुछ भी छोटी सी छोटी चीजें हम तक पहुंचाती है, आम पब्लिक तक पहुंचाती है, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्या कहूँ, बस इतना ही ना, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलूंगी आबिद जी को, राहुल जी को। थैंक्स मैम, थैंक्स मैम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप में से ही कोई एक आज आके आगे बढ़ा। आबिद खान साहब ने जो ये लॉन्च किया है वो आपके फील्ड के हैं, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आज मुझे खुशी तो इस बात की हो रही है कि फिल्म ची द आबिद खान शोज द लाइफ के हिसाब से इन्होंने जो चैनल शुरू किया है बहुत खुशी की बात है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि दिलीप भाई मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनकी फिल्म ची द आबिद खान शोज की पब्लिसिटी के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ, और खास करके सारे मीडिया के सामने। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है आप लोगों की, मतलब आज आप ही में से एक खड़ा हुआ है। मुझे याद है आज से कुछ 30-40 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री के लिए ट्राई कर रहा था, जब मैं सक्सेस हुआ 25-30 साल पहले जब मेरी फिल्म हिट हुई, तो आप में से एक होते थे जेडे जोहर साहब, जिन्होंने मायापुरी में लिखते थे, तो मैं उनसे कहा कि मैं कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पत्रकारों के लिए, मीडिया, उस वक्त तो मीडिया इतनी होती थी, पत्रकार ही होते थे ज़्यादा। तो वो ये कहा कि दिलीप भाई कैसे होगा ये, पर आज आबिद खान साहब की ये शो देख के और आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई। मैं यही करूंगा कि अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि फिल्म ची जो उन्होंने शो शुरू किया है वो बहुत आगे सक्सेस हो, और उसमें हमारे लायक कोई भी सेवा होगी मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और अब मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ कि हम सबके चाहिए लाडले स्टारों को, स्टार सुपर स्टार हमारे महागुरु गुरुजी श्री विमल कुमार जी, डॉक्टर विमल कुमार जी हमारे बीच आए हैं भोपाल से, खास करके आबिद भाई को दुआ देने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आबिद भाई के लिए कि ये खास भोपाल से चल के आ जाए। तो मैं विमल गुरुजी से कहूंगा, प्रभु जी जरा बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, फिल्म ची जो ये है इनका टाइटल। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और मुझे यहाँ आकर बड़ी अत्यधिक खुशी हुई कि यहाँ की जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो प्रतिभाशाली लोग कैसे बढ़े, कैसे उन्नति के शिखर को छुए, इसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। उसी श्रृंखला में आबिद खान जी ने जो फिल्म ची का शुभारंभ किया है, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा, सबका मार्गदर्शन करेगा और दुनिया को बताएगा कि हम लोग जो भी आपके लिए हम देते हैं, हम परोसते हैं, वो यथार्थ परोसते हैं, हम सत्यता बताते हैं, वो एक ऐसा खजाना निकाल के देंगे इसमें से कि सब लोगों को अच्छा लगेगा, सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और ये जो आपका फिल्म जी है ये पूरे दुनिया में इसका नाम रोशन होगा। मैं इस बात के लिए भाई हमारे आबिद खान साहब को, आप सबके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय माई की, जय माई, जय माई। आप भी हमारे बीच में सबके हंसते चहीते लाडले पकड़िए फिल्म। अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है फिल्मों का, और
ऐसे में अबीर खान एक फिल्म थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माध्यम लेकर आए हैं जिससे मुझे पूरा यकीन है कि कुछ न कुछ इस स्थिति में, इस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा। बेशक आएगा, बेशक आएगा, यकीनन आएगा। परिवर्तन इसलिए आएगा क्योंकि जो अभी चल रहा है, मेरा मानना है आपका पर्सनल किसी से कैसा भी व्यवहार हो लेकिन प्रोफेशन के आड़े नहीं आना चाहिए और अच्छी अच्छी फिल्मों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए क्योंकि एक फिल्म चलती है तो उसमें न जाने कितनों का घर चलता है और एक फिल्म जब हिट होती है तो पांच और प्रोड्यूसर हिम्मत करते हैं कि एक और फिल्म बनाए। तो ऐसे में फिल्मों का प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है और ऐसे में ऐसे प्लेटफॉर्म का आना मतलब आवश्यक है और अनिवार्य है। इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए और बहिष्कार का बहिष्कार करना चाहिए। अब आपके सामने हम सबके लाडले भाई शबीर साहब दो शब्द बोलेंगे फिल्मची के लिए। फिल्मची सारे मेरे दोस्तों को सलाम। और मैं भी एडवर्टाइज़र हूँ, मीना कुमारी का स्पॉट बॉय था, वहाँ से अल्लाह ने मुझे एडवर्टाइज़र बनाया। आज अल्लाह का करम है कि 3,500 फिल्में किया और फिल्में दुआओं से बनती है। हम और आप नहीं रहेंगे लेकिन यादें रहेंगी। आप पैदा भी नहीं हुए मुगले आजम भाई, खाने को खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, लोग पिक्चर देखते हैं। हमारा नारा ही है खेल देखो बंदर का माल निकालो। पिक्चर का जन्म कहीं नहीं रहे ऐसे एडवर्टाइजर हैं। वैसे आप लोगों की दुआएं हैं क्योंकि मैंने बड़े बड़े एक्टर गोविंदा प्लस नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार, जो भी बच्चे आए, लेकिन शाहरुख खान, सबके साथ अल्लाह ने काम किया क्योंकि मैं मीना कुमारी का स्पॉट भाई था, दिलीप कुमार से लेके आज के एक्टर सबके साथ काम किया। मेरे करीबी में कम से कम 300 ऐड मेरे मुंडे साहब मेरे साथ किए, भैया मुंडे साहब का तो जय जय कर रहे थे, आज उसका बेटा है, बाप के साथ बेटा प्रिय है, क्या बात है। मुझे सबसे ज्यादा ख्याल मेरा टिंकू है, मेरा एक शेर बब्बर पीछे खड़ा हुआ है, बर्बाद तो जो भी फिल्में हम लेते हैं करते हैं और तुम लोगों का ही सपोर्ट रहता है, मालिक सबको आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। खेल देखो बंदर का माल निकालो अंदर का, फिल्म का जैसे मेरे भाई ने बोला, जब तक दुनिया है जब तक फिल्म है। थोड़ा सी चर्बी आ गई थी, सांप काटा था सब एक्टरों को, फिर से खड़े हो जाएगा, नए बच्चों को चांस दो। थैंक यू वेरी मच, आई लव। वेल, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस क्या करूँ, मैं सितारिस्ट सिंगर एंड कंपोजर, और मेरे साथ सैमी जी हैं, शी इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, वेरी गुड सिंगर, अपकमिंग सिंगर, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी गुड कुक। यहाँ ज्योति जी हैं, शी इज़ अ बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, और देखिए दोनों हसीन बीच में बैठी हुई हैं साइड में, मैं बीच में के साथ बैठा हूँ। अबीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हम सब की तरफ से, उन्होंने चैनल खोला है, बहुत तरक्की करें और ऊपर वाला उनको बहुत दे, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक। थैंक यू, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जस्ट सिंपल कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे अभी जी को और इस चैनल फिल्मी जी, या बेस्ट विशेस है। एंड एग्जैक्ट डेट अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कब स्टार्ट करने वाले हैं, बट आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए अगर वो जल्द से जल्द शुरू करेंगे। एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर ब्लेसिंग देना चाहूंगी एंड बेस्ट विशेस देना चाहूंगी। एक शेर मैं उनके लिए कहना चाहूंगा खास तौर से, तू डूबने से यकीनन मुझे बचा लेगा, तू डूबने से यकीनन मुझे बचा लेगा, मगर तेरा ये एहसान मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक। आपके एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, मतलब क्या आगे उनका भविष्य क्या है, क्या है आपके भविष्य में? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो उनके शो रहेगा, देखो अप्स एंड डाउन्स हर जगह पे आते रहते हैं, बट आई मीन लाइक ही इज अ फाइटर, आई मीन लाइक यू नो, अगर आप गिव अप कभी भी नहीं करेंगे डेफिनेटली विन आपकी होनी है। एंड वो काफी माहिर है इस फील्ड में, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका शो बहुत ज्यादा अच्छा आगे चले एंड बहुत सा नेम एंड फेम उनको मिले। जी कैसा लॉक खोला? बॉलीवुड से बहुत दिनों से आपका दोस्ताना संबंध है, क्या कहते हैं व्यक्तित्व के बारे में, एज ए पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट? As a person and as a journalist, he is one of the best people I've come across. Ek rishta aise bana hai, it's not a professional relationship. Hum dono
आपके बीच में पर्सनल रैपो पहले दिन से ही बना था शायद जब आप घर आए थे इंटरव्यू लेने, और तब से हमने वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करके ट्रांसफॉर्म हुआ है इनटू अ पर्सनल रिलेशनशिप. इसलिए मैं के सारे जो इवेंट्स होते हैं, सारे जो एंडेवर्स होते हैं, सारे जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे कि आज ये फिल्मची का लॉन्च हो रहा है तो इनको सपोर्ट करना है और आते रहूँगा. अच्छे इंसान पसंद है. I am in the field for the last 10 years. मैंने कभी इतना दोस्ताना संबंध नहीं कहा कि सेलिब्रिटी और जर्नलिस्ट में, तो आपसे इंस्पायर्ड होना चाहिए सेलिब्रिटीज को कि थोड़ा सा यू नो फ्रेंडली रिलेशन रखे ताकि उनको भी एक अच्छा फील गुड फील आए कि हाँ. आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज और जर्नलिस्ट के बीच में कुछ ऐसा है? बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशन होता है, इंटरव्यूज तक ही सीमित रहता है अगर देखा जाए तो. आई थिंक वो थोड़ा सा वो एक डिस्टेंस रखना जरूरी है क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए खास करती है, क्योंकि अगर उनको ट्रू जर्नलिज्म करनी हो और अगर आप बायस्ड हो, क्योंकि आपका अगर समझो कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जो आप जिसकी रिपोर्टिंग आप करना चाह रहे हो, तो आप ऑब्वियसली बायस्ड होंगे क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, तो वो आप कैसे करोगे. आई थिंक वो प्रोफेशनल इक्वेशन जो है प्रोफेशनल ही रहना चाहिए. सुनील सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इतने दिन से इंडस्ट्री में हो, जर्नलिज्म और मीडिया और जर्नलिस्ट का आज का जो है ना मतलब इनपुट सेलिब्रिटीज को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, ऐसा कि माध्यम जो है जैसे जर्नलिज्म है या मीडिया है, उसके बिना तो दुनिया की कोई भी चीज हम एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते. तो माध्यम को तो बहुत ही प्रणाम है. माध्यम का मतलब ही होता है मध्य करने वाला. तो आप सबको तो प्रणाम है ही. और रहा सवाल अबीर भाई का, तो अबीर भाई यारों की यार है, बहुत ही अच्छे इंसान, दिल के साफ. और जब भी मैंने इनको कोई रिक्वेस्ट की कि भैया मेरा कुछ काम है कुछ है, आधी रात को एक मिनट पहले भी मैं फोन करूं तो ये इनका जवाब था कि आ जाओ करते हैं या मैं आता हूं. मतलब सचमुच जो लोग बोलते हैं ना डायलॉग बोलते हैं कि यार आधी रात को मुझे फोन करना, डायलॉग कई बार सुना, लेकिन इस आदमी ने उस कहावत को सार्थक किया है. यही वजह है कि आज आप सब लोग इतना प्यार से अबीर भाई के इस खूबसूरत ऑफिस में आए, अश्विन भाई आए, हम सब भी आए. तो दिल से दुआ देते हैं कि इस ऑफिस में, और हाईलाइट है कि इस ऑफिस की पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर मैंने दो फिल्मों की शूटिंग की, सीन शूट किए और वो फिल्में रिलीज भी हुई. अभी एक और फिल्म हमने यहाँ शूट की थी, गाली गलौज. फिल्म का नाम है गाली गलौज, लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है. जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे फिल्म में गाली गलौज जो है विलन है, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे किया जाता है, उस पे मद्देनजर की फिल्म की हमने. और आपके लिए, आप सबकी दुआ उसके लिए भी चाहिए. और आप सबका धन्यवाद. आप सब जीव हजारों साल, यही दे दे से दुआ दे रहा आपका फ्रेंड सुनिए. मीडिया इज ऑलवेज लुकिंग फॉर कंट्रोवर्सी स्टोरियल. तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपको ऐसा अनुभव हुआ और जब आप फेस किए चीज को, तो कितना ज्यादा यू नो नाराजगी होती है मीडिया को लेकर, कितना दुख होता है व्हेन समथिंग रॉन्ग रिटर्न अबाउट यू? मीडिया अपना काम कर रही है क्योंकि वो चीज़ वो दिखाएंगे जो पब्लिक कंज्यूम करेगी. तो अगर हमें किसी को दोषी ठहराना है तो पब्लिक को दोषी ठहराना चाहिए कि वो ये कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं. जैसे अभी हम लोग बिग बॉस की बात कर रहे हैं, तो बिग बॉस में अगर आप प्यार मोहब्बत से रहोगे तो प्यार भी गिरेंगे, क्योंकि लोगों को देखना भले उनका स्लोगन होता है झगड़ा नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं चाहिए, लेकिन वो अंडर टेबल ये कहना चाहते हैं कि करो ये सब करोगे नहीं तो टीआरपी नहीं मिलेगी. बिग बॉस हम लोग देखते किस लिए यार, उसका झगड़ा देखते हैं सर. बिग बॉस की बात की, आपको पता है कल सोनाली जी फोगाट जी का निधन हुआ, वो भी इतनी कम एज में. इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला गए, क्या कहते हैं इतनी कम एज में इतना स्ट्रेस लेवल है, क्या कारण है जो इतने कम एज में लोग को हार्ट अटैक हो रहा है? यू नो इट्स वेरी सैड. आई थिंक खास करके आज के डेट में ये हमारी जो ज़िंदगी है बहुत ही फास्ट पेस हो रही है. हम ये रैट रेस में हैं, जो मैं इस रैट रेस से थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि अगर आप रैट रेस में हो तो आप रैट ही. मैं अपने आप को चूहा नहीं मानता मैं शेर हूँ, तो मैं अपना रास्ता ढूंढता हूँ और अपना रास्ता बनाता हूँ. तो उसमें उस रैट रेस में अगर आप रहोगे तो टेंशन और स्ट्रेस तो रहेगा, और ख़ास करके अभी कोविड के बाद हमारी इम्यून सिस्टम को काफ़ी ये पहुंचा है. तो आई थिंक मोर सो नाउ हमें अपने हेल्थ पे, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. और जितना हम जिम जाएं वो इज नॉट इनफ, क्योंकि आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है.
सुनील सर, उससे आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है, हार्ट पे प्रेशर आ जाता है। सुनील सर, ये भी पता है कि राजू सर की बेहद ठीक नहीं, क्या कहना चाहें, कितना अपडेट है, कितना ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर? यार ये तो हमारे लिए बहुत ही, मतलब हम लोग जब से ये हमारे पास ये जानकारी आई है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि हमें डे नाइट प्ले करना पड़ेगा एक चमत्कार के लिए। लेकिन जैसा कि मैं मानता हूँ कि जिस बंदे ने इतना हंसाया है, क्योंकि हंसाना मतलब जो है वो प्रभु की सच्ची पूजा होती, इबादत होती है। क्योंकि निदा फाजी साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर चलो, ये कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तो हंसाना जो है बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इंसानियत है। और मुझे लगता है कि ये हमारी परीक्षा भी है, राजू भाई की परीक्षा भी है, और सबसे बड़ी ये भगवान की परीक्षा है, ऊपर लिखित परीक्षा है। और मुझे लगता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, डॉक्टरों की मेडिसिन और भगवान की वैक्सीन मिलके एक चमत्कार होने वाला है, हमें बहुत उम्मीद है। और राजू भाई फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे और हंसाएंगे। तो अब तो बस रेडी है राजू का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने। लास्टली अभी वन क्वेश्चन, अभी जो है ट्रेंड चल रहा है बायकॉट का, क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग, आई मीन क्या बेसिकली चीज़ है जो बायकॉट कल्चर लाई है इंडस्ट्री में? ओटीटी का इमरजेंस है या फिर साउथ इंडस्ट्री का कामयाब होना है? और कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट किया, कुछ बड़े इंडस्ट्री के लोगों ने, कि हम लोग कॉन्टेंट बना नहीं पा रहे जो दर्शकों को देखने को मिलना चाहिए। देखिए नहीं सर, हाँ बोलिए पहले। हाँ मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि साउथ फिल्म के चार पांच फिल्म चली, कितनी फिल्में बनती हैं वहाँ पर, क्या वो सब चली यहाँ पे बॉलीवुड में, पूरे देश में चली या नहीं चली? तो ये आई थिंक फर्स्टली एक रॉन्ग टैग लगा है कि सिर्फ साउथ की फिल्में चली। रही बात ये ओटीटी कल्चर, नहीं ये कैंसिल कल्चर, क्योंकि ये क्या है, बॉयकॉट है, इंडिया में बॉयकॉट है, इंटरनेशनली इसको कैंसिल कल्चर कहते हैं, उसके पहले बैन करना था। हाँ, तो ये कैंसर कल्चर एक ये है, एक तरीका है जिससे पब्लिक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, और जो अपने ट्रोल्स होते हैं सोशल मीडिया में वही करते हैं ये कैंसल और बॉयकॉट कल्चर, वही लाते हैं, वही पुश करते हैं। तो ऑफ कोर्स फिल्मों को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक जो ट्रू फैंस हैं, जो सिनेमा लवर्स हैं, अगर आपकी फिल्म में दम हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में शो में दम हो, तो वो देखेंगे। आई डोंट थिंक कि वो इन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। सुनिए सर, जो सर ने एकदम सही बोला इनकी बात को, तो सेम टू सेम मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि सिनेमा इतना बदला है और इतना ज़्यादा बदला और इतना अति बदला है कि ऐसा लग रहा है ऑडियंस से बदला ले रहा है, इस तरह से बदला है। क्या है कि गे कल्चर आ गया, लिव इन रिलेशनशिप वाला कल्चर आ गया, हीरो ने गाली गलौज कर रही है, हीरो हीरोइन से बदतमीजी कर रहा है। मतलब आप प्यार मोहब्बत की बात अलग है कि प्यार मोहब्बत में एक जैसे होता था हमारे हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि लड़का लड़की को फ्लर्ट करता है, वो सब चीज़ें होती, लेकिन एक गंदी भाषा में, गंदी चीज़ों में वो सब चीज़ें करना, और क्या होता है ऑडियंस जो होती है वो आपको बहुत इमोशनली प्यार करती है। वहीं देखते हैं कि हम लोग यार पार्टियों में लड़कियाँ फोटोज अजीब अजीब आते हैं, जैसे जैसे पिछली बार हुआ था कि छुट्टियां मना रहे थे, जब हम लॉकडाउन में परेशान थे, सब लोग दुखी पर परेशान थे, और ये सेलिब्रिटी फोटो खिंचवा के डाल रहे थे कि वी आर हैप्पी। तो लोगों को लगता है यार हम इससे इतना प्यार करते हैं और ये हमारी केयर नहीं करते। फिर कुछ बातें ऐसी भी आ जाती, फिर क्या होता कि फिर सोने पर सुहाग का काम करता है बायकॉट जो है। आप अच्छा काम करिए तो जैसे सर ने कहा कि फिल्म हिट होगी, और भूल भुलैया हिट ही हुई है, उसके पहले भी दो फिल्में हिट होगी, बायकॉट तो ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फिल्में बहुत पसंद की जा रही है। लेकिन क्या अब मैं एज अ फैन मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर मिथुन चक्रवर्ती को फैन हूँ तो मैं बहुत ही बाई हार्ट फैन हूँ उनका। और जब वो मुझे मिले थे तो उन्होंने जब मुझे नाम से पुकारा था तो मुझे लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो आदमी एज अ फैन भी स्टार से उम्मीद करता है कि यार मैं जैसा चाहता हूँ मेरे लिए ऐसा हो। तो कैंसल कल्चर जो अभी चल रहा है और सोशल मीडिया उस पर सोने पर सुहागा काम करता है, तो मैं सभी बॉलीवुड और से निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी फिल्म ऐसी बनाएं, जो भी फिल्म बनाएंगे उसमें एंटरटेनमेंट होना चाहिए सबसे पहले। अब क्या हुआ, अपनी मर्जी की फिल्म बनाते हैं, जैसे आमिर खान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही बड़ा फैन, लेकिन माफ करना लाल सिंह चड्ढा, उन्होंने अपनी मर्जी की फिल्म बनाई। आप अपनी मर्जी की फिल्म मत बनाओ भाई साहब, माफ करना, जनता की मर्जी की फिल्म बनाओ। नहीं बनाओगे अपनी जनता की फिल्म तो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ ये फिल्म विदेश में चल रही, अरे विदेश में कौन देख रहा है आपकी फिल्म भाई, NRI जो है हमारे वो देख रहे हैं,
जो हमारे देश के सबसे समझदार और शांटे लोग जो थे जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया, उनके पास कितना दिमाग होगा, वो आपकी फिल्म क्यों देखेंगे? तो फिर कहानी स्टोरी बनानी पड़ती, फला करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पब्लिक की मर्जी की फिल्म बनाइए, जो भी फिल्में इन दिनों चली उठा के देख लीजिए, चाहे पुष्पा चली हो या कोई भी फिल्म, आप उसमें इंडियन वैल्यूज रखिए। ये खामों का गे कल्चर, ये खामों का लिमिट रिलेशनशिप, वो क्या बॉम्बे तक ठीक है, बॉम्बे में ठीक है, इसको दुनिया में और हिंदुस्तान में खासकर दुनिया में ही बल्कि इतना ओपनली फिल्मों में, फिल्म क्या होती है, फिल्में पूरे पारिवारिक, आप चाहते कि परिवार के साथ लोग देखने आए, तो परिवार के साथ में कोई भी कंफर्टेबल नहीं होगा। इसी वजह से हमने जो फिल्म बनाई गाली गलौज, उसका भी मुद्दा यही है कि भैया आप OTT पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई ना कोई आपके परिवार का बंदा देखेगा, उस वक्त आपको शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं पूछू, मैं क्या कहना चाहेंगे उनके इस नए पहल के बारे में, फिल्म ची नाम का एक शो शुरू करने वाले का वेबसाइट है, वो कितना अच्छा पहल मानते हैं? हमने देखा है कि पत्रकारिता की दुनिया में बहुत ही जाना माना नाम बनकर उभरे हैं अबीर खालिद साहब। उन्होंने आज आमची फिल्म ची बॉलीवुड में जो नया वो शुरू किया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके लिए कि वो ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें और जितना भी हो पाएगा हमेशा हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से कुछ नया करने की कोशिश की। सर आप बताइए, कितने बहुत समय दिया सर ने आपके इस पहल में? वसीम सर का ये है कि मैं जब से मुंबई आया हूँ तब से हमेशा, जब भी मैंने नया याद किया है, चाहे मैं परेशान हूँ चाहे मैं खुश हूँ, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। बस ये चाहता हूँ हमेशा इनका आशीर्वाद, इनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ। सर इसके अलावा आप अजमेर कमेटी से जुड़े हुए हैं, शिहाब के साथ जो भी वाकया हुआ था उस पर क्या एक्शन लिया गया और क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से मुजावरों का जो रवैया रहता है वो कितना सही मानते हैं? देखिए, कोई इंडिविजुअल लेवल पे गलती कर सकता है, एक ह्यूमन एरर है, जबकि अजमेर दरगाह से हमेशा अमन अमान और शांति की बात हुई है, वहाँ पे प्यार मोहब्बत सिखाया जाता है। जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उस पर बहुत ही सख्त तरीके से अजमेर दरगाह कमेटी ने एक्शन लिया है और ऐसी किसी भी बदतमीजी को न कभी बर्दाश्त किया गया है और न आने वाले दिनों में कभी बर्दाश्त किया जाएगा। आप पब्लिक को बोलते हो कि बायकॉट क्यों करते हैं, पब्लिक बैन क्यों कर रही है, कैंसल कल्चर क्यों आया है? अरे भाई, हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो माँ बहन पिता पुत्र सब साथ मिल के फिल्म देखते हैं और वो चाहते हैं कि हमें फिल्में भी उस वैल्यूज की मिले। अब आप फिल्मों में तो गंदगी कर ही रहे हैं, गे कल्चर, वल्गरिटी, ये सब तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीज़ कर रहे हैं जो बॉम्बे तक ही महदूद है और बॉम्बे में भी हर जगह नहीं, कुछ जगह पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, अभी करण जौहर देखिए, करण जौहर जब इंटरव्यू करता है कॉफी, वो सिर्फ सेक्स बेस्ड सवाल करता है, ऐसा करोगे वैसा करोगे वैसा करोगे वैसा करोगे, शर्म आ जाइए करण जौहर को। उसके बाद अब बिपाशा बासु जो माँ बनने वाली है, करीना कपूर जो माँ बनने वाली है, वो प्रेगनेंटी का फोटो जो दिखाती है वो दिखाती है और पूरा नेकेड, अरे आप माँ बनने वाली हो, बेडरूम का फोटो डाल रहे हो, लोग आपको माँ की नज़र से, आप चाहते हो ना कि आपकी मातृत्व का सम्मान हो, आप लोगों को देखेगा और आपको बधाई दे कि करीना यार मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, ये सब दिखाकर क्या तुम आने वाले बच्चे का भी अपमान कर रहे हो, जनता का भी अपमान कर रहे हो? पर क्यों तुम्हें इतनी खुजली है भाई, क्यों इतना है तो नंगे हो जाओ, नंगे पूरे हो जाओ, काहे के लिए टाइम पास कर रहे हो? तुम्हारी वजह से जो बाहर देश, जो बॉम्बे से बाहर से लड़कियां आती बेचारी, कितना सफर करना पड़ता है उनको मालूम है, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, स्ट्रगलर बेचारे कितना मेहनत करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, उनको काम नहीं मिलता, ऑडिशन करना उनके सामने फ्रॉड होता है, और आप जो जिनको भगवान की कृपा से सही जन्म हुआ, सही जगह जन्म हुआ, नेपोटिज्म को नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन चलो उसमें भी अगर ये मान लिया कि आप बड़े बड़े स्टार के बेटे या बेटी हो, तो क्यों ऐसी बेवकूफाना हरकत करते हो कि जिस वजह से बॉलीवुड और आपकी हरकतें की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, फिर क्यों नहीं चलेगी साउथ की फिल्म और क्यों ना आपकी फिल्म में बायकॉट होगी? बिल्कुल सही हो रही है बायकॉट आपकी फिल्म में, लाल सिंह चड्ढा से मैं बिल्कुल खफा हूँ, अमेरिकन का फैन हूँ, लेकिन ऐसी फालतू फिल्म मत बनाओ आपके भाई, प्लीज। उनको बैन किया था
और बाद में उनको इनवाइट कर रहे हैं आने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में, तो क्या कहना चाहेंगे कि, और वो बोलती है कि फिल्म फेयर जो पब्लिकेशन है या जो अवार्ड्स है वो अनबायस है, अनएथिकल है, मतलब गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पेड अवार्ड्स होते हैं और जो न्यूज़ होता है वो भी येलो जर्नलिज्म है, वो भी फेक होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं तो अभी तो बोलूंगा तो फिर मुझे लोग बुरा बोलेंगे, भाई अवार्ड तो हिंदुस्तान में जितने भी है करण जोहर का अवार्ड मिल रहा है क्या किस चीज के लिए? कल्चर फैलाने के लिए। करण को उल्टा पुलटा तो नरक होता है लेकिन वो है ही नरक, कुछ भी फिल्म बनाता है, कुछ भी करता है। और कंगना का मैं इस बात को समर्थन करता हूँ कि कम से कम बोलती तो है, लोग तो लोग आपस में दोस्ती नहीं पाते। अब लाल सिंह चड्ढा के मैंने देखा काफी बड़े बड़े कलाकार तारीफ कर रहे हैं, अरे यहाँ दोस्त देश और दुनिया परेशान है उस फिल्म को देख के। चाइना में ये 6 सितंबर को रिलीज हो रही पिक्चर, ये अच्छा काम हो रहा है कि चाइना ने कोरोना भेजा था, हम लाल सिंह चड्ढा भेजे बदला। तो भैया बॉलीवुड वाले से निवेदन है, अच्छी फिल्में बनाइए, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी स्टार हो, सुपरस्टार हो, मेरे दिल में रहते हैं हमेशा। आप सब जीव हजार सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, किंग बलजीत सिंह बॉलीवुड पंजाबी सिंगर, अभी प्लेबैक में बॉलीवुड में गाने कर रहा हूँ। तो अबीर भाई का जो फिल्म थी पहला लॉन्च हुआ उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, अभी 2 गाने प्लान किए हम लोगों ने, तो नेक्स्ट मंथ वो गाने भी आप लोगों को मिलेंगे अपने चैनल पे। बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो एक खुलासा है बट वो अभी नहीं करूँगा, बाद में कर दूँगा आप लोगों को, शायद पता नहीं होगा। सर आप बताइए क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेशन फिल्म ची चैनल को, आई होप दे विल बी अ गुड सक्सेस इन कमिंग ईयर, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेशन अबीर खान एज वेल, इनको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ अच्छा। आई होप दे विल क्रिएट और गुड कंटेंट, बहुत सारे चैनल अभी आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही विल डू द गुड ऑन। थैंक यू फोटो ले लीजिए ना। आज आपको फिल्म लॉन्च हो रहा है यूट्यूब चैनल, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अबीर भाई को उनके नए शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, नए चैनल के लिए अबीर खान शो के, और बहुत बहुत शुभकामनाएं अबीर भाई के लिए उनका शो तरक्की करें। और नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार नवीन। सर आप क्या कहेंगे? बहुत सारी दुआएं मेरे भाईजान को, और बहुत नेक इंसान है तो इतने शुभ मौके पर उन्होंने बताया, तो बहुत सारा प्यार है उनको। कितना बेनिफिट मिलने वाला है? बिल्कुल 100% बेनिफिट मिलेगा, उनको नेक इंसान है तो लोगों के लिए हमेशा कुछ बढ़ चढ़ के अच्छी चीज़ें करते हैं, तो उनको तो सभी की दुआएं ऑलवेज। और अबीर खान को आज के टाइम में कौन नहीं जानता, कौन नहीं सब लोग जानते हैं, और जो उन्होंने एक नई शुरुआत की है डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शुरुआत होने वाली है, बहुत बड़े मुकाम पर जाने वाली है। चैनल तो बहुत सारे हैं लेकिन एक कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। और जो नए कुमार सनी एक्ट्रेस हैं उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिलने वाला है अबीर खान भाई के थ्रू, तो बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ। थैंक यू सो मच। जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट वांट टू से कांग्रेचुलेशंस टू हिम, आज उनका ये मुकाम पे वो आज पहुँचे हैं, तो मैं सभी को उनको उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। पर्सनली कितना जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो काम करते आ रहे हैं पिछले लंबे समय से? आई बीन फॉलोइंग हिम, मैं उन्हें फॉलो कर रहा था बहुत टाइम से, उन्होंने भी मुझे कितने बार मुझे पिच किया था टू कम ओवर हियर टू हिज ऑफिस एंड व्हेन ही वाज एक्चुअली बिल्डिंग इट अप, एंड हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू भी उन्होंने लिया था जो 15 अगस्त के लिए जब हुआ था, एंड फ्रेंडशिप डे के लिए भी हुआ था, तो तभी भी हमारा एक बहुत अच्छा हमारी अच्छी मुलाकात हुई थी, उस इंटरव्यू की एक मुलाकात ही थी वो, एंड काफ़ी मतलब चर्चित रहे। इसके अलावा शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे आज किस तरह से इसको बढ़ाया जाए? आई थिंक इट्स हिज ओन वर्क, इट्स हिज ओन बेबी, एंड इट्स हाउ ही इज गोइंग टू मार्केट इट वोन के ऊपर। सो इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं अभी जस्ट जिद्दतुल मानिना से बाहर निकल रहा हूँ और सीजन 2 के लिए बातें कर रहे हैं लोग, एंड सब बहुत चर्चित है ये विषय कि सीजन 2 कब आ रहा है। हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब लोग हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, आज भी हम लोग सब लोग टच में रहते हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ से निकल के मैं शालीन और दिलजोत को ही मिलने वाला हूँ, तो सब लोग हम दोस्त एक साथ रहते हैं, हर वक्त हम लोग एक साथ मिलते रहते हैं, हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि सीजन 2 आना चाहिए,
हालांकि हमें जिस तरीके से DMs आते हैं लोगों से एंड जो फैंस हैं कि वो सीज़न वन से बाहर ही निकल नहीं पा रहे क्योंकि बहुत अब्रप्टली शो बंद हो गया था जो हमें भी ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मतलब लाइक यू नो कुछ छूट गया कुछ रह गया कुछ तो बचा है और भी बहुत कुछ हम इसके बारे में दिखा सकते थे और लोगों के सामने शेयर कर सकते थे तो कहीं ना कहीं पे तो लोग सेटिस्फाइड नहीं है और आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ना तब तक आप यही बात दोहराते रहते हो कि कब इसका सीजन 2 आएगा जो हम भी सोचते हैं कि इसका सीजन 2 जल्दी आ जाए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू सर कांग्रेचुलेशंस एंड आई हैव बीन सीइंग हिज पेज और यू नो सी ये इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और मेरे काफ़ी सारे पोस्ट भी डाल रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एंड अ कॉन्सेप्ट ही इज कमिंग अप विद तो आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फिल्म ची दिस इज दोस्तों ये है इंडिया नया न्यूज़ चैनल जहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स की सारी अच्छे से अच्छी खबरें वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज गोना बी देयर इन दिस फिल्म ची न्यूज़ आपको देखना है कोई भी अपडेट्स चाहिए तो दिस फिल्म ची इज देयर सो येस कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू दिस फिल्म ची ओके एंड दिस इज द चैनल इज बाय आबिर खान एंड ही इज आबिर खान द ओनर ऑफ दिस Yeah. And I'm, you know, thank you very much for calling me. Yes. It's always a pleasure to be around him. You want to say? No. बस आपको कहें मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है गर्व फील कर रहा हूँ और आप लोगों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे और जल्दी हम बहुत कुछ करने वाले हैं फिल्म ची लॉन्च कर रहे हैं अच्छा अबीर जी अब तक तो पॉलिटिकल बीट हैंडल कर रहे थे और अब वो फिल्मी बीट तो नेता और अभिनेता में खाली अभी का फर्क होता है तो इनको कुछ नया ऐसा करने जैसा होगा नहीं जैसे अभिनेता की एक्टिंग की एक अलग क्वालिटी होती है और नेता की एक्टिंग की एक अलग क्वालिटी होती है तो बस उतने एक ग्लैमर थोड़ा ज़्यादा है उन लोगों के पास और अबीर भी एक ग्लैमरस है इसका स्टाइल ये वो मतलब शुरू इसने किया था और एंड में फिल्मी यहीं जाने नेचुरली वैसा है इसका सर्कल बहुत अच्छा है लोगों को बांध के रखता है अभी बॉलीवुड जिस परिस्थिति में से गुजर रहा है वो बॉलीवुड की जगह फ्लॉप वुड हो गया अपनी पॉलिटिकल बायसनेस की वजह से तो उसमें अगर अभी टाइप के लोग आएंगे तो शायद अगर वो लोग इनसे PR कराएंगे या कुछ अपने व्यूज़ में बदलाव लाएंगे अभीर को पता है कि किसके अंदर ये क्वालिटी कैसे लाना इंटरव्यू में इनकी मास्टरी है मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा बॉलीवुड को ज़रूर होगा मुंबई की पहचान बॉलीवुड से आधे लोग जो बाहर से मुंबई में आए हैं वो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना इनसे प्रेरित होकर आए थे तो बॉलीवुड तो मुंबई की जान है और बॉलीवुड का फेल्योर होना जब से बॉलीवुड में राजनीति आ गई तब से वो फेल होना शुरू हो गया और बॉलीवुड ने फेल राजनीति की तरफ जाने की कोशिश की जो जो एक अच्छे स्टार्स थे लोग सोचते थे कि अच्छे स्टार्स हैं तो वो फेल्योर की तरफ चले गए लेफ्ट जो पूरी दुनिया में डिस्कार्डेड है यानी रशिया जहाँ से लेफ्ट निकला था वहीं पर लोगों ने लेनिन और मार्क्स इनकी मूर्तियाँ तोड़ डाली लेकिन हिंदुस्तान की जो कम्युनिस्ट है वो उसमें से भागने निकली और क्योंकि इनका जो बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कम्युनिस्ट यूनियंस बहुत ज़्यादा घुसी हुई तो इनका इंक्लिनेशन कम्युनिस्टों की तरफ ज़्यादा हो गया जनता के मूड को पहचान नहीं पाए और फिर एक के बाद उनको लगा पुराने वाला ट्रेंड है ट्रेंड बदल गया और जिस प्रकार से फ्लॉप शोज शुरू हो गए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बॉलीवुड के ऊपर पड़ने लगा और आपने देखा तमिल मूवीज़ पहले मैं देखता था खाली स्लम में लोग देखते थे तमिल झुपड़पट्टियों के अंदर वो वीडियो पार्लर्स होते थे और उसमें इतना जोर जोर से फाइट्स का आवाज़ आता था ना अपन निकलते थे बाजू में समझ में आता था कि तमिल मूवी चल रही है आर धूम ऐसा आवाज़ आती रहती है लेकिन आज हम लोग जैसे चैनल सर्व करते हैं सिर्फ तमिल मूवी ही दिखती है और उनका जो फोटोग्राफी उनकी स्टोरीज अभी वो पुष्पा मूवी रिलीज हुई है एक ऐसा कैरेक्टर को वो लोग लेकर आए कि जिसने कपड़े मेरे ख्याल से 2 महीने तक धोए नहीं होंगे ऐसा कैरेक्टर को ला करके उसको हिट किया तो वो जो स्टोरी की जान और वो लोग लोगों का नब्स को पकड़ते हैं हमारे यहाँ तो फिल्म रिलीज होती है लेकिन वहाँ पर रिलीज उत्सव होता है
बहुत सारे लोग छुट्टी मनाते हैं उस दिन जिस दिन रजनीकांत की मूवी रिलीज होने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर एथिकल मूवीज बनती है। मूवी को वो लोग एक इसका दर्जा देते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं। अगर मुहूर्त होता तो सच का मुहूर्त होता है, यहाँ पे नकली मुहूर्त होता है। तो वो ऐसा करते करते उन्होंने मूवी का जो प्रोफेशन है उसको एकदम आत्मसात करते हुए उसको किया। तो आज टॉलीवुड जो है, मैंने ऐसा सुना है कि जापान में सबसे ज्यादा फेमस है तमिल मूवीज, इतना देखते हैं जापानीज लोग, सबसे ज्यादा वहां चलती है, चाइनीज देखते हैं, इंडोनेशियंस देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आदमी को कितना भी बड़ा हो, अगर वो सीखना बंद कर देगा उसको लगेगा कि मैं ये सबसे बड़ा हूँ, मेरे से लोग सीखे, मेरे को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सबका बाप हूँ। ऐसे समय में समय अपने आप ही थोड़ा सा झटका दे देता है। तो हॉलीवुड बॉलीवुड को ये बात समझनी चाहिए कि ये समय आ गया है जब वो भी लोगों के नफ्सों का चले, लोगों के बीच जाए, लोगों के मन को टटोले, उनके मन की बात करें। हीरो कैसा होना चाहिए? हीरो मेरे मन का होना चाहिए, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ हीरो वैसा होना। अमिताभ बच्चन की हेयर स्टाइल एक टाइम था, हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन की हेयर स्टाइल अपना लिया था, राजेश खन्ना की हेयर स्टाइल अपना लिया था, मिथुन चक्रवर्ती जब हिट हुआ तो हर दूसरा यंगस्टर एकदम मिथुन चक्रवर्ती कॉपी करता था। कितने सारे तो एज इट इज बाल ये वो रख के एकदम ऐसा लगने लगता था कि मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर तक पैसा हुआ। बाद में जो मॉडल्स को ये लोग ने उठा करके और चर्सी गंजड़ी लोग मीडिया में घुस गए और वो लोगों ने स्टोरी लिखनी शुरू कर दी, फिर अजीबोगरीब लोगों ने गाने लिखने शुरू कर दिए, स्मगलर लोगों ने स्पॉन्सरशिप शुरू कर दी, अंडरवर्ल्ड ने इसमें आके शोज करने शुरू कर दिए, दलित लोगों को अवार्ड देना शुरू कर दिया। जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ सरकेगी तो किसी न किसी दिन कीचड़ में गिरेगी। ये इस वक्त बॉलीवुड का समय चल रहा है। तो एथिकल मूवीज बनाए, लोगों की नर्व्स को पहचाने और लोगों के नर्व्स को समझते हुए उसको रिस्पेक्ट, उनके सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी के समझो नेता भी ऐसे ही है और अभिनेता भी वैसे ही। समझो मैं लोगों के विपरीत ही बात करता रहूँगा तो लोग मेरे से दूर चले जाएंगे, लोग बोलेंगे कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है। और अभिनेता के साथ भी वैसे, स्टेज पर उसको वो दिखाना होता है जो लोग देखना चाहते हैं, लोग का जो ड्रीम होता है वो हीरो होता है कि काश मैं भी ऐसा होता था। तो उस पोजिशन से अभी बॉलीवुड को बाहर आना पड़ेगा और अभी जैसे पत्रकार मुझे लगता है उनको सही दिशा दिखाने का काम करेगा। कोई भी है, अपने लोग हैं, कभी कभी अपना हाई भी होता है, वो थोड़ा टेढ़ा चलता है, थोड़े दिन में ठीक होकर आ जाता। तो अभी जैसे लोग ऐसा सर्कल जमाएंगे उनको शायद वो बताएंगे कि भाई आप अगेंस्ट मत बोलो, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बोलो मत, वो चुप करके रहो, लोगों के सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट करो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सर अभी जैसे माहौल है, मतलब बड़ी बड़ी पिक्चरें आई जैसे दो तीन पिक्चरें हैं नाम नहीं करेंगे, अभी कार्तिक में आज छोटी पिक्चर थी, मतलब आज इतना ज़्यादा उसका प्यार भी इतना लोगों में है, बाहर जाके कंट्री में रिलीज हो रही है, मतलब लोग उसको प्यार दे रहे हैं, क्या नसीहत देना चाहिए मतलब बॉलीवुड कुछ ऐसे कंटेंट मिला या क्या ऐसी क्या चाहिए? मैंने क्या कहा कि मोदी जी ने आके क्लीन मनी बताया, जो पैसा भी होता है ना वो क्लीन होना चाहिए। ऐसे ही पहले सुभाष भाई जी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से है, उन्होंने कहा कि पहले जो स्टोरी राइटर होता था उसको ये लोग कश्मीर भेजते थे और वो जाके वहाँ पे शांत वातावरण में सुंदर वातावरण में और वो स्टोरीज लिखते थे। तो जब आदमी अच्छे दिल से कोई काम करेगा, शुभ जिसको बोलते हैं, ऐसा कोई काम करेगा जिसमें जनता की भलाई भी होगी, जिसमें वहाँ पुरानी फिल्मों में कैसे दिखाते थे बहुत लड़ाई होती है लेकिन एंड ऑफ द डे में कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज होता, जिसमें अब कल कोई ये नहीं बोल सकता था कि इससे बिगड़ते, अमिताभ बच्चन की मूवी देख के कोई बिगड़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद मारामारी करने लग जाते होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे में कहीं दान धर्म करते होंगे, मंदिरों में जाना शुरू करते होंगे। एथिकल मूवीज जिसको बोलते हैं वो बहुत जरूरी, हर चीज़ में एथिक्स बहुत जरूरी है। आप जब अनएथिकल हो जाओगे, जब एथिस्ट हो जाओगे, बोले मेरा कोई धर्म ही नहीं, जब तेरा कोई धर्म नहीं तो जनता का भी कोई धर्म नहीं, जनता आपको क्यों देखे? तो जो भी चीज़ इस तरीके से सिस्टम से बनाएंगे जिसमें मैग्नेटिज्म हो, लोग के सेंटिमेंट को समझते हुए अगर आप बनाएंगे तो चीज़ 100% चलेगी। लोगों को भी इतने तंग वातावरण में कुछ अच्छा देखना और आप अच्छा कंटेंट नहीं दिखाओगे तो लोग, अभी तो रिव्यू पहले ही आ जाते हैं, एक एक महीने पहले, दो दो महीने पहले, तीन तीन महीने पहले कंटेंट लोगों को पता लग जाता है, तो लोगों को मालूम पड़ता है कि आप अपने सेंटिमेंट्स को, अभी आपने देखा हो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप वो मजाक उड़ा रहे थे, बोले हम देखते हैं हमारी मूवी को तुम फ्लॉप करो, ऐसे
लोग जिनको समझता ही नहीं है, जो जनता ने उनको इतना बड़ा बनाया, उस जनता की बेइज्जती ही करेंगे तो जनता उनका इंतजार करेगी। अभी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं कि मतलब हम देख लेंगे बॉयकॉट कितना होगा, बहुत सारे ऐसे हैं तो मतलब वो लोग क्या मतलब सोच रहे हैं। देखो देश की जनता है ना, ये महात्मा गांधी जी को फॉलो करती है, ये कुछ बोलेगी नहीं लेकिन अपने कामों से वो बता देगी कि जो इनका मजाक उड़ाएंगे उसको एक दिन ये लोग मजाक में बना देंगे, ये लोग जोकर बना देंगे इनका, जो भी जनता का इस प्रकार से अपमान करेगा। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड का समय आ गया है जब बैठ के रिव्यू करना चाहिए और आपस में बैठ के चर्चा करनी चाहिए। कोई अभी जैसा पत्रकार उनको कड़वे प्रश्न पूछना चाहिए, अभी वो सुनने की परिस्थिति में नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी कोई पत्रकार, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही एक हीरोइन जा रही थी तो एक पत्रकार ने कहा कि आपने 3 घंटे से हमको भड़ा रखा है, तो इस तरह से भड़कने की तेरे को जरूरत है, मेरे को कोई जरूरत नहीं। तो जब ऐसी परिस्थिति में अभी अंदर मन में इतना गर्व आ जाएगा, उनको ऐसा लगेगा कि हम सबके बाप हैं, तो असली बाप तो जनता है, जनता उनको अपना जगह दिखा देगी। योगेश जी, बॉलीवुड से निकलकर पॉलिटिकल थोड़ा बीट पे चलते हैं और आज जो विधानसभा में विधान भवन में जो हंगामा हुआ है उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहिए? विधान भवन में तो जब तक चलेगा तब तक हंगामा होता ही रहेगा, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, और वही एक ऐसी जगह होती है जहाँ अपने ऊपर के नेताओं तक मैसेज देना, अपने वोटर को मैसेज देना, जो पक्ष में होता है वो कुछ ना कुछ अपना एक काम बना के लेके जाता है, चलो मैंने सड़क बनाई, लेकिन जो बेचारा विपक्ष में होता है उसको वहाँ पर वो सिद्ध करना होता है कि मैंने इसका विरोध किया, तो वो हंगामा करते हैं, और जब हंगामा करते हैं तभी न्यूज़ बनती है, हंगामे से न्यूज़ बनती है, मारपीट तक की बात आ गई थी, मारपीट हुआ है, लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र में जापान में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, तो ये भी कुछ अलग नहीं है। जब विचार कभी कभी चेंज होंगे ऐसा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा कई बार हो चुका है। Thank you.